ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल में एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस की प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने अपना टिकट लौटा दिया। वे अपने नामांकन को लेकर काफी नाराज थी क्योंकि उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए वित्तीय सहारा नहीं मिला था। इस असंतोष के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह बात साफ कही गई। पूरी लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होने वाले हैं और नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई है। इस सीट पर चुनावी दंगल के लिए तैयार है बीजेपी के अरुण पटनायक और भाजपा के संबित पात्रा, दोनों ने ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया है, उन्हें पार्टी से सहारा नहीं मिला। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से भी कुछ हलचल हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया था और फिर भाजपा में शामिल हो गए थे।